नक्षत्रों की सीरीज में आज मैं बात कर रही हूँ मूल नक्षत्र की। हर नक्षत्र का अपना महत्व है और उसके राशि स्वामी से अलग जो है उसका इम्पोर्टेंस आता है, उसके हिसाब से पूरी गहराई में प्रेडिक्शंस निकल करके आती हैं। तो अगर आपका नाम भी से है या भो से या फिर ये से, तो आपका नक्षत्र बनता है मूल नक्षत्र, जिसका कि स्वामी ग्रह केतु है और उसका राशि स्वामी जो है वो है गुरु। केतु गुरु धनु राशि में उच्च का होता है और इसकी दशा जो है 7 वर्ष तक चलती है और इसके बाद सर्वाधिक दशा चलती है वह 20 वर्ष की शुक्र की चलती है। इसके बाद जब शुक्र की चलती है तो इन दशाओं का बहुत बड़ा महत्व रहता है जीवन में, और ये दशा जीवन में एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा काम करती है और बचपन से में ही मैच्योरिटी लेवल जो है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो है बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रेस्प कर लेते हैं और उसमें जो मैच्योरिटी के गुण बहुत जल्दी आ जाते हैं, और कुछ सारे लोग होते हैं कि बहुत बड़े उम्र के होने के बावजूद भी वो मैच्योरिटी नहीं लेके पाते। तो ये 19वें स्थान का जो मूल नक्षत्र है, ये कहता है कि मूल मीन्स जड़, यानी किसी भी चीज़ को लेकर ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड से भी नीचे, तो एक ही स्थान पर उदय और मिलन होता है नक्षत्र का। इसीलिए इसको गंडमूल नक्षत्र कहते हैं, क्योंकि गंडमूल नक्षत्र का एक तरीका होता है देखने का, जब राशि और नक्षत्र एक ही स्थान पर उदय और मिलन करते हैं। मूल नक्षत्र को जो है एक इम्पॉर्टेंट नक्षत्र इसलिए भी माना जाता है क्योंकि अगर जन्म के समय अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या उस समय अगर उसकी शांति नहीं कराई, मूलिया शांति जैसे हम बात करते हैं, जब नक्षत्र मंडल में जब हम मूल नक्षत्र की बात करते हैं तो मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे की मूल शांति कराना बहुत ज़रूरी होता है। उसका एक अलग विधि विधान है, उसके पर मैं आपको एक अलग से वीडियो भी बना के बताऊँगी, पर उसमें सब बस आपको ये ध्यान रखना है कि 27 जगह का पानी जो है वो यूज़ किया जाता है और उसमें एक काफ़ी बड़ा एक हवन होता है जिससे कि उसकी शांति हो जाती है और फिर जो उसके विपरीत प्रभाव है वो नहीं मिलते। अपने लक्ष्य यानी अपने टारगेट को जो है अचीव करने के लिए अपनी आंख जो है अर्जुन की तरह गड़ाए रखते हैं और कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब तक प्रयास आपका चलता है, जब तक कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो, सारी ऊर्जा यानी अपनी एनर्जी उतनी लगा के रखते हैं जितना जब तक कि नक्षत्र में इनको कुछ भी चीज़ें पूरी ना मिले। रिसर्च की बात करें तो रिसर्च लेवल तक या इंट्यूशंस की बात करें तो वो दोनों ही हाई होती है। कोई भी चीज़ है जब उसका लगता है इनको इसके लिए खोजबीन करनी है या उसके लिए कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स या तथ्य इकट्ठे करने हैं तो ये अपना कर लेते हैं, कई बार तो अपने परिवार को भी भूल जाते हैं। और इंट्यूशन की बात करें तो इंट्यूशन इनकी बड़ी स्ट्रांग होती है, अगर इनको पहले से इंट्यूशन आ जाए कि ये काम होने वाला है तो वो काम इनका हो भी जाता है, क्योंकि केतु और गुरु दोनों ऐसे ग्रह हैं जो केतु को स्पिरिचुअल माना जाता है और गुरु जो है अपने आप में स्पिरिचुअल और बॉर्न लीडर और विल पावर, कॉन्शियसनेस, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और डेडिकेशन का है। तो जो है ये सकारात्मक ऊर्जा जो इनके अंदर होती है और नक्षत्र शांति की बात हुई और बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट जो है आपको मिलता है। मूल नक्षत्र के चारों चरण, जैसे कि मैंने बताया कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, चारों चरण धनु राशि में आते हैं। धनु राशि का स्वामी गुरु है, इसलिए धर्म पायण और विष्णु और हनुमान भक्ति में जो है मन भी लगता है और इनके अगर कोई काम अटकते हैं तो उनकी पूजा करने से लाभ इनको प्राप्त होता है, यानी कि अगर कहीं भी कुछ अटकाव है तो इसको करने से इनको लाभ मिलता है। अपने विचारों की दृढ़ता के साथ निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत गजब की होती है, उस निर्णायक क्षमता और गजब की जो है क्षमता के साथ अपने निर्णय को लेने में बहुत तेजी तो दिखाते हैं परंतु पूरी रिसर्च के साथ दिखाते हैं। स्टडी की बात करें तो स्टडी में भी कोई डेप्थ में जाने की बात है तो लेवल जो है अच्छा हाई रहता है। खोजी जैसे मैंने बताया कि इन्वेंशन और टास्क में, चोरकारी में, रिसर्च में, साइंस हो, मेडिकल फील्ड हो, चाहे किसी भी तरह की फील्ड हो, हर फील्ड में रिसर्च लेवल पर जाते हैं और कुशल और निपुण व्यक्ति के साथ साथ श्रेष्ठ वक्ता, क्योंकि जुपिटर जो है कॉन्फिडेंस देता है, जुपिटर एजुकेशन देता है, जुपिटर नॉलेज देता है। जब आपके पास नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, एजुकेशन है तो कम्युनिकेशन बात जब मिल जाती है तो बहुत ब्रिलियंट चीज़ें बन जाती हैं। अगर डॉक्टर बनते हैं तो बड़े अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, ऑक्टेट साइंस, साइंटिस्ट, रिसर्च, ये सब लेवल जो है बहुत ही
में बात करूँ तो इनमें इनको काफ़ी जो है सफलता प्राप्त होती है। किसी भी बात को तह तक पहुँचने के लिए CID रिसर्च लेवल जो पुलिस या इन्वेस्टिगेशन या ब्यूरोक्रेट जो है वो उसमें भी इनको सफलता हासिल होती है, क्योंकि मूल कारणों की जानने की अद्भुत क्षमता रहती है, किसी भी चीज़ को ऊपरी सतह पर नहीं करते। और हर कार्य को करने का कारण यानी कोई भी काम जो है विदाउट रीजन यानी विदाउट, अगर इनको लगता है कि ये काम ऐसे ही नहीं करते हवा में यानी बेवजह काम नहीं करते, एक मकसद के साथ जैसे लक्ष्य तय करते हैं उस मकसद के साथ करते हैं और जब तक उसको पा नहीं लेते जब तक जो है चैन नहीं मिलता। इसीलिए जब भी इनकी बात होती है सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अग्रसर रहते हैं। अगर लक्ष्य प्राप्ति में कहीं कोई अटकाव आता है तो गुरु केतु के जो है अभी मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगी जिसको करने से लाभ भी प्राप्त होगा। अपने जुनून के साथ काम करते हैं, कठिनाई को देखकर हताश और निराश नहीं होते। जुनून तो इनकी कठिनाइयां तो आपके लिए जो है एक टॉनिक का काम करती है, यानी आपको और चुनौतियों को सामना करने का जो है ताकत या ऊर्जा मिलती है। पीठ दिखाना जो है इनकी प्रवृत्ति में नहीं है और अपने काम को करना ही बेस्ट मानते हैं और बेस्ट तरीके से अपने काम को जो है करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। जब भी जीवन में कहीं कुछ चीज़ अटकाव आती है तो उसको सॉल्व करके उसको चीज़ों को देख करके समझ करके एनालिसिस करके चीज़ों को करते हैं। हाँ, अगर कोई इनको परिवार में कहीं और परेशान करता है तो या फिर कई बार सर्च बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उद्विग्नता यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होकर के कई बार ये अपने आप को हर्ट भी कर लेते हैं। इसलिए जब भी नकारात्मक विचार आए तो जो है अपना आत्मबल नहीं खोना चाहिए, अपनी सिक्स सेंस जो है उसकी पावर को बढ़ाना चाहिए, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना चाहिए। उस इंट्यूशन पावर को बढ़ाने से जो है जो भी नेगेटिव इफेक्ट आता है वो दूर हो जाता है। तो क्या उपाय करने चाहिए, चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने क्या करना है, केसर का तिलक लगाना है अपने माथे पर, जुबान पर और नाभि पर। क्या करना है, 2-3 बूंद गंगा जल लेना है केसर को ऐसे ऐसे घोलने के बाद जो है आपने उसको माथे पर, जुबान पर और नाभि पर लगाना है और ये 49 डेज तक आपने लगाना है, जिसको लगाने से लाभ होगा। इसके अलावा कुत्ते को रोटी खिलाना, बिस्किट खिलाना और जो है वो भी जो है लाभकारी रहता है। पर कुत्ते को घर में नहीं पालना, बाहर स्ट्रीट डॉग की आपने हेल्प करनी है। दवाइयाँ डोनेट करने से भी जो है आपको केतु जो है ठीक होता है। गणेश जी की पूजा करने से केतु के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो शांत होते हैं। और मंदिर में 3 नींबू 49 डेज तक लगातार आप रख के आए, केतु ग्रह शांत होगा। गुरु के मंत्र जाप आप कर सकते हैं, गुरु का जो मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र को आप 108 बार जाप करने से भी लाभ होगा। आप भी जानना चाहते हैं अपने नक्षत्र के बारे में, अपनी राशि के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, साथ ही दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं डिटेल में, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु के कोर्सेज जो है मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते हैं, तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले नक्षत्र के साथ फिर मिलूंगी, धन्यवाद।